गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम पे हमने फिजिक्स में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं ये बताया था। और वेक्टर के मैंने टाइप भी बताए थे बहुत सारे, कि पैरेलल वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, ये सब बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं करते हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये भी बोला था कि ग्राफिकली हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेल होता है, लेंथ होता है, हेड होता है। टेल बताता है स्टार्टिंग पोजीशन, हेड बताता है एंड पोजीशन एंड डायरेक्शन, एंड लेंथ क्या बताता है उसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस वेक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक। और मैंने ये भी बताया था आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर किसको कहते हैं, जो अगर टेल टू टेल का जो एंगल है उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर कहते हैं, और हेड टू हेड है उसको हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर कहते हैं। अगर टेल और हेड के बीच का एंगल है उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं कहेंगे, और अगर टेल और हेड के बीच का एंगल है तो जैसे कि देखिए सपोज करो ये एक का हेड है, ये एक का टेल है, ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस थीटा, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा, ठीक। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले ग्राफिकली हम लोग देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होगा कैसा, और फिर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहला बात ये होता है कि ये रिजल्टेंट होता क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इसका मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, उससे दो या दो से ज्यादा वेक्टर लग रहा है, और उसके कारण कुछ वहां पे मैकेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम उन सारे वेक्टर्स को रिप्लेस करके एक ऐसा सिंगल वेक्टर लेकर के आए जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि वो सब प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है ना, सपोज करो इस बॉडी पे एक इधर फोर्स लग गया है 10 न्यूटन का, एक इधर फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, और एक इधर फोर्स लगाए हुए है 20 न्यूटन का। यहाँ पे अभी 3 फोर्स है, एक 10, 5 और ये 20, यानी कि टोटल 3 फोर्स है। तो अभी इधर देखिए कि ओवरऑल 10 इधर 5 इधर, यानी कि 15 इधर है, 20 इधर है, यानी कि ओवरऑल 5 इधर आया। तो अगर हम लोग इन तीनों को हटा करके एक सिंगल 5 न्यूटन का फोर्स लाएंगे तो वो इन तीनों के बराबर काम करेगा, है ना। यानी कि ऑल दीज वेक्टर्स कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल वेक्टर व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल दीज वेक्टर्स। तो ये जो सिंगल वेक्टर आया जो इन सब के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रिजल्टिंग वेक्टर। तो रिजल्टिंग का मतलब यही होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, उसको रिप्लेस करके हम एक सिंगल वेक्टर लेके आते हैं जो कि वही काम करेगा जितना बाकी सब मिलकर कर रहे थे। तो दैट सिंगल वेक्टर विल बी कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इसको आप लोग ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। हम लोग ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, तो आप जरा एक बार जरा ध्यान रखो कि अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं तो वहां पे हम लोग को वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, और जब कभी भी किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, है ना, ये एक वेक्टर है सी, सपोज दैट। अभी हमको क्या करना है, इन तीनों वेक्टर को हटा करके एक सिंगल वेक्टर लाना है, यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट लाना है। अभी यहाँ पे तीनों का टेल एक ही जगह पे है, इसका भी यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे, इसका भी यहाँ। और ऐसा भी हो सकता था कि इनका टेल एक जगह पे ना हो, अलग अलग भी हो सकता है, कैसे भी रहे। तो सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास 3 वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के टाइम पे हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, एंड व्हेन एनी वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली देन वेक्टर डजंट चेंज। जब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए रिजल्टेंट फाइंड करने के टाइम पे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है, जरूरत पड़ेगा तो हम वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करके पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए, ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया, ऐसे ऐसे इसको ऐसे शिफ्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे भी ला सकते हैं जरूरत पड़े, है ना, फिर यहाँ पे भी ऐसे ला सकते हैं। आप कितना बार भी शिफ्ट करो लेकिन ओनली पैरेलल शिफ्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आपने रोटेशन कर दिया वेक्टर में तो वेक्टर चेंज हो जाएगा,
मतलब कि अगर हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें, इसके लाइन में ही शिफ्ट करें, ऐसे शिफ्ट करें, ऐसे कैसे भी शिफ्ट करें, है ना, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वेक्टर को आपने रोटेट कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, वो एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा। तो रोटेट नहीं करना है, बस वेक्टर को हमें क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, चलेगा। तो अब मैं बता रहा था कि हमारे पास सपोज करे दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के टाइम पे हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। और जब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाता है तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। अब पैरेलल शिफ्ट किस तरीके से करना है, तो इसके लिए हम लोग सीधा एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। कि जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। सपोज कीजिए दोनों का टेल एक ही जगह पे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब बोला गया कि इसका रिजल्टेंट बताइए। अभी हम लोग केवल ग्राफिकली रिजल्टेंट देखेंगे, बाद में हम लोग इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अभी ग्राफिकल। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। तो क्या करो, किसी एक वेक्टर को आप फिक्स कर लो, किसी एक वेक्टर को फिक्स करेंगे और बाकी अदर वेक्टर्स को हम शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ही वेक्टर है, ए और बी, तो अगर हम चाहें तो हम ए को फिक्स रख लेते हैं, बाकी बी को शिफ्ट कराते हैं, या फिर चाहेंगे तो बी को फिक्स करा लेते हैं और ए को शिफ्ट कराएंगे। किस तरीके से फिक्स कराएंगे, कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा जाएगा, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा जाएगा। मतलब कि हमने ए को ऐसे ही रख लिया, ये वेक्टर ए अपने पास एज इट इज आ गया, और बी को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। कैसे, इसके हेड को दूसरे के टेल पे रखना है, सॉरी, इसके टेल को दूसरे के हेड पे रखना है, यानी ऐसा हम इसको शिफ्ट कर दिए। देखिए पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ना, ये पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, तो पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, ऐसे हमने रख दिया, ऐसा ये आ गया वेक्टर बी, ठीक है। अभी जरा देखिए, ए और बी के बीच में कितना एंगल था, थीटा एंगल था ना। अभी जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ऐसे लाइन है, अभी छोड़ देते हैं, ये ऐसे लाइन है कोई, ये एंगल थीटा है, तो अगर इसके पैरेलल कोई लाइन खींचा जाए तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा ना, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये पैरेलल दोनों लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल, तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो वही बात है, इसको जब ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया गया है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी क्या रह जाएगा, ये थीटा ही रह जाएगा, ओके। और मैंने आपको बताया भी था कि जब हेड और टेल आपस में लाई करे तो इधर वाला एंगल ही एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है, इधर वाला एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं कहलाता है। तो उसी तरीके से देखिए, अभी ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, हमने बी को पैरेलली शिफ्ट किया, बी को पैरेलली शिफ्ट किया तो भी ए और बी के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि जब कभी भी वेक्टर्स को ऐसे आपस में पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे भी ए और बी के बीच में थीटा एंगल ही है, और जब बी को हमने ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके रख दिया इसके हेड पे, तो भी दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, थीटा ही आ रहा है ना। हेड जब एक का हेड दूसरे के टेल पे हो तो ये वाला एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है, नहीं तो टेल टेल के बीच का एंगल, या फिर हेड हेड के बीच का एंगल, या फिर टेल टेल के बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाता है। यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा था, पैरेलली शिफ्ट करके हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये थीटा है, ये भी थीटा ही रह जाएगा। कैसे थीटा रह जाएगा, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना इसके, तो ये वाला लाइन जस्ट लाइक ए ट्रांसवर्सल काम करेगा, और ये वाला एंगल सेम होगा लाइक ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब जरा हो गया अपना काम, दो ही वेक्टर था, एक को हमने फिक्स रख लिया, दूसरे को पैरेलली शिफ्ट कराया, पैरेलली शिफ्ट करा करके क्या किया, एक के टेल को दूसरे के हेड पे रख दिया, ठीक, यहाँ पे अपना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इतना होने के बाद शुरू के टेल से लास्ट के हेड को मिलाएंगे, शुरू के टेल से लास्ट को हेड को मिलाएंगे, यानी कि ये शुरू का टेल है और ये लास्ट हेड है। तो ये जो शुरू से टेल के लास्ट को हेड को मिलाने वाला वेक्टर आएगा, यही वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। किसका, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी ए एंड बी का ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखिए ये एंगल थीटा था, मान लीजिए कि एंगल कितना है, अल्फा है, तो इसका मतलब क्या पता चला, कि हम इसको हटा करके
हम इन दोनों को हटा करके एक सिंगल वेक्टर लाते हैं, इतना बड़ा वेक्टर इस हॉरिजेंटल के साथ डेल्टा एंगल पे, तो ये वेक्टर अकेले जितना काम करेगा उतना ये दोनों वेक्टर मिलकर के काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। ओके, तो रिजल्टेंट निकालने के टाइम पे क्या करना है, किसी एक वेक्टर को फिक्स रख लेना है, बाकी दूसरे वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करना है। कैसे पैरेलल शिफ्ट करना है, कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रखना है, और इस तरीके से रखते जाएंगे, और शुरू के हेड से लास्ट के, शुरू के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला जो लाइन आएगा, जो वेक्टर आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब जरा देखिए इस आर को ही कैसे लिखा जाएगा, ये जो अपने पास आर आया ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये आर वेक्टर क्या होगा, आर इज द ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब दो वेक्टर को हम लोग ऐसे एडिशन करके लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उसका रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। अभी जैसे कि देखिए 4 + 5 लिखा, तो इसका मतलब क्या कि हम लोग 4 और 5 का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, सिंपली अलजेब्रिक मेथड से जोड़ देंगे, है ना, 3 + 8 ये सिंपल 11 आ जाएगा, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से निकाल देंगे, तो ये 3 + 8 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपको मैथमेटिकली कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए कि सपोज करो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आपको ऐसे लिख दिया जाए कि ए प्लस बी क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, इट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इसका मतलब ये हुआ। और यहां से हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये ए के एंड से बी के हेड तक गया है, तो इसको हम लोग आर को क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, ऐसा ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, बस ग्राफिकली सीखा कि दो वेक्टर इस तरीके से ग्राफिकली दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट ग्राफिकली कैसे आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस टाइप में ग्राफिकली आएगा, इसके साथ डेल्टा एंगल से कुछ ऐसा। अब इसका लेंथ कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, उसको हम लोग फर्दर बाद में सीखेंगे, पहले ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लें, ठीक है। ओके, तो अभी इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लेना है ना, अब यहाँ पे हमने ए को फिक्स किया था, अब ऐसा करते हम चाहते तो इसको बी को भी फिक्स कर देते कि ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अभी यहाँ पे हम लोग बी को फिक्स कर लेते हैं, बी वेक्टर को फिक्स कर लेते हैं और ए को शिफ्ट कराते हैं पैरेलली, किस तरीके से, कि इसके टेल को इसके हेड पे रख दिया जाए, ऐसा है ना, ऐसा, यानी कि ऐसे ये हमने कर दिया, ए ये आ गया इस ढंग से। अब क्या होगा, अब शुरू के टेल से लास्ट का जो हेड मिलेगा यही क्या होगा, आर होगा, और आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस ए, यानी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, चलेगा। तो बी प्लस ए लिखे, बी प्लस ए लिखे और ए प्लस बी लिखे, दोनों क्या है, सेम होता है वेक्टर्स में, ए प्लस बी या बी प्लस सी, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, तो ये भी कितना है, बी प्लस ए है। तो अब जैसे कि आप जरा ध्यान रखो कि हमने बी को फिक्स रख करके ए को ऐसे शिफ्ट किया तो जो वेक्टर आया, और ए को फिक्स रख करके बी को शिफ्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा, ये दोनों वेक्टर आइडेंटिकल है, सेम ही है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, सेम ही आएगा, लेंथ भी सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगा, ये ऐसे है, ये भी ऐसे आएगा, कोई भी चीज सेम नहीं आता है, बस हम अपने सहूलियत के हिसाब से किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे हॉरिजेंटल वाले को फिक्स रखने में थोड़ा ज्यादा सहूलियत होता है, तो हम हॉरिजेंटल वाले को फिक्स रख करके बाकी ऐसे सबको शिफ्ट करा देते हैं और हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, चलेगा। तो ये तो दो वेक्टर के साथ हो गया, कुछ अलग वेक्टर हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि अब आपके पास किस तरीके से वेक्टर है, कि मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, अब हम लोग को इसका रिजल्टेंट निकालना है,
मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा वन है और ये वाला जो एंगल है थीटा टू है। कहने का मतलब कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा वन, वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल थीटा टू। तो जब कभी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर बी और सी को हम शिफ्ट भी करा देंगे तो जो बी का सी के साथ एंगल है और जो सी का ए के साथ एंगल है कितना एंगल है, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू ए के साथ एंगल है, ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को फिक्स करा लेते हैं, किसी एक वेक्टर को फिक्स, मान लो कि हम ए वेक्टर को रख लेते हैं अपने पास ऐसे, ठीक हो गया अपना काम चलेगा। अब हम लोग दूसरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं। तो मान लो कि हमने क्या किया, बी को शिफ्ट करके इसके हेड पे रख दिया, बी को शिफ्ट किया पैरेलल ऐसा है ना, ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया हमने, ऐसे बी को रख दिया यहाँ पे चलेगा। देखो एक हेड पे एक ही टेल रखना है, ऐसा नहीं एक ही हेड पे आप दो चार टेल लेकर के आ गए तो फिर वहां से नहीं फाइंड कर पाओगे, एक हेड पे एक टेल रखना है। ठीक, हमने क्या किया इसके हेड पे बी को रख दिया, हो गया अपना काम। अब सी को फिर से पैरेलल शिफ्ट करते हैं और उसको बी के हेड पे रखते हैं ऐसा, है ना, सी को पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे ऐसे रख देते हैं, किसको, ये वेक्टर सी को हमने ऐसे रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ए और बी के बीच में कितना एंगल था, थीटा वन, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये थीटा वन एंगल रहेगा। बी और सी के बीच में कितना एंगल था, थीटा टू, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये थीटा टू ही रहेगा, चेंज नहीं होता है चलेगा। अब हो गया इस तरीके से पैरेलल शिफ्टिंग। अब रिजल्टेंट किसको बोलेंगे, शुरू के हेड से लास्ट के टेल को, यानी कि सॉरी शुरू के टेल से लास्ट के हेड को, हम यहाँ से यहाँ पे ये जो लाइन मिलाएंगे यही क्या हो जाएगा इसका, इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। मतलब और मान लीजिए कि ये एंगल कितना है, डेल्टा है, ये एंगल फाइंड करना और ये लेंथ फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या पता चला कि इन तीनों को हटा करके आप एक सिंगल ऐसा लेके आइए वेक्टर, है ना, जिसका लेंथ इतना हो, मैग्नीट्यूड इतना हो और हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे डेल्टा एंगल बना रहा हो, तो ये अकेले जितना काम, ये तीनों जितना काम करेगा उतना ये अकेला काम कर रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट। ये ग्राफिकल मेथड हुआ। और इस आर को हम लोग कैसा लिखेंगे बताइए जरा, दूसरे तरीके से आर को ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी है ना, ए बी फिर सी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख देंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, और इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी होगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों वेक्टर जो ए बी सी है इन तीनों वेक्टर का क्या निकालिए, रिजल्टेंट निकालिए। तो ये ग्राफिकल मेथड होता है वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने का। ओके, अभी इसको दूसरे तरीके से बना लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने ए को बी को शिफ्ट करके ए पे रख दिया, फिर सी को शिफ्ट करके बी पे रखा, तुम्हारा मन है तो तुम सी को भी ए के हेड पे रख सकते, किसी एक को फिक्स रख करके एक टेल को दूसरे के हेड पे रखना है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में आप रखो। ऐसा नहीं था कि हम पहले ए पे बी का ही टेल रखेंगे फिर बी के हेड पे सी का टेल रखेंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। किसी भी ऑर्डर में आप किसी एक के हेड पे दूसरे का टेल रखिए और शुरू के टेल से लास्ट का हेड मिलाइए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही प्रोसेस करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से हमने क्या किया, ए को ऐसे रख दिया, अब क्या करते हैं हम सी को पहले लिखते हैं, सी को शिफ्ट करके ए के हेड पे रख दिया, तो कैसा आएगा सी, कुछ ऐसा है ना, ऐसा ये हमने सी कर दिया चलेगा। अब जरा देखो ए और सी के बीच में कितना एंगल था, टेल टू टेल, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू है, ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा थीटा वन प्लस थीटा टू। अब क्या करेंगे, एक हेड पे एक ही टेल रखना है। अब यहाँ पे जो बी को हम लोग रखेंगे शिफ्ट करके कहाँ पे रखेंगे, सी पे ना, तो बी को हम शिफ्ट करके रखते हैं ऐसे, रख दिया ऐसे, क्या बोलते रुकिए, ये क्या है, ये बी है, ठीक है, मान लो बी है, ठीक, ए और सी और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा टू, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा टू, ये एंगल कितना है, थीटा टू, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट ना, तो शुरू के टेल से लास्ट का हेड मिला देंगे, शुरू के टेल से हमने क्या किया,
लास्ट का हेड मिलाया, शुरू के टेल से लास्ट का हेड मिला दिया। तो ये जो आया ये क्या आ गया, यही आ गया रिजल्टेंट, ए प्लस सी प्लस बी, यानी दिस इज ए प्लस सी प्लस बी, या ए प्लस सी प्लस बी लिखे या ए बी सी लिखे, बात क्या है सेम है, तो ये हम लोग का रिजल्टेंट हो गया। तो ये वाला जो रिजल्टेंट है, ये वाला जो रिजल्टेंट है, आप किसी भी ऑर्डर में हेड पे टेल रखो और मिला, जो रिजल्टेंट आना है वही रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट डिफरेंट नहीं आएगा। यहाँ से जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा और ये जो एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ से भी उस रिजल्टेंट का वही वैल्यू आएगा और सेम एंगल आएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, चलेगा ठीक है। इसमें और देख लेते हैं कुछ जरा हम लोग। अभी जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लो ऐसे दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है वेक्टर ए और ये दिया हुआ है वेक्टर बी, और मान लो इसके बीच एंगल कितना है थीटा। क्वेश्चन बोला, मान लो क्वेश्चन कहता है फाइंड ए प्लस बी, आप वेक्टर ए प्लस बी फाइंड कीजिए। तो ए प्लस बी फाइंड कीजिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ए को ऐसे लिखेंगे, एक को फिक्स रख लेते हैं है ना, और बी को ऐसे फिक्स करा लेते हैं, बी को ऐसे फिक्स करा लिया, दोनों के बीच में कितना एंगल है थीटा एंगल है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिया, यही जो आर आया यही क्या है, यही ए प्लस बी वेक्टर है, हो गया अपना काम। लेकिन अब सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड ए माइनस बी, कि वेक्टर ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसमें जरा देखो, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस बी, है ना, वेक्टर ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। इसका मतलब हमें वेक्टर ए फाइंड करना हो और वेक्टर माइनस बी फाइंड करना है। और पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी वेक्टर का माइनस क्या होता है ना, जस्ट वेक्टर उल्टा हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो अगर बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर कैसा आएगा, देखिए अगर ये बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर कैसा, माइनस आ जाएगा बिल्कुल इतने ही लेंथ का, जस्ट इसके अपोजिट में, ये बी है ऐसा इस डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, तो माइनस बी क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट में आ जाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा। यानी कि अगर फोर्स है ऐसे 10 न्यूटन इधर, ऐसे 10 न्यूटन, माइनस एफ बोला तो यही 10 न्यूटन इधर ना लग करके इधर आ जाएगा, वही बात, ये हो जाएगा माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ माइनस बी। ठीक, तो अब जैसे देखो कि ये बी था तो माइनस बी इधर आ गया, तो ये एंगल थीटा है और ये पूरा होता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा बताइए, 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ये है थीटा, तो देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस बी, 180 माइनस थीटा आ रहा है। यानी कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो एक को माइनस कर देंगे तो फिर उन दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल आया, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर माइनस बी, और हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, वही मेथड है, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखो, यानी कि हमने क्या किया, इसको पैरेलली शिफ्ट किया, ये कितना एंगल है, ये एंगल है 180 माइनस थीटा, हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट किया इसको, यहाँ पे ये माइनस बी है ना, और ये एंगल है 180 माइनस थीटा था, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये 180 माइनस थीटा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा शुरू का टेल है और ये लास्ट का हेड है, तो
तो यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा ऐसे, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रिजल्टेंट, दैट इज ए प्लस माइनस बी, यानी दैट इज ए माइनस बी, ये हम लोग का आ गया रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी। तो अगर प्लस में लिखा रहे या फिर माइनस में लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट हम लोग अपोजिट करके ऐसे निकाल देंगे। तो इन दोनों का ए प्लस बी कौन सा आएगा, एक ही डायग्राम में हम लोग निकाल लेते हैं, ये ए है बी है, तो हमने ऐसे बी को शिफ्ट कर दिया, ऐसे बी को शिफ्ट किया वेक्टर, है कि नहीं, ये एंगल कितना थीटा, बिल्कुल इसके जैसा। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा ए प्लस बी, यानी ए और बी का रिजल्टेंट, और इसको हम लोग ऐसे इधर पैरेलली शिफ्ट करेंगे, और इधर से जो वेक्टर मिलाएंगे तो ये कौन सा वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर ए माइनस बी, सपोज करो कि हम इसका नाम रखते हैं आर डैश, इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, तो ये हमारा हुआ एक तरीका ग्राफिकल मेथड निकालने का। अभी इस पे एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे सारे जो भी मैंने आप लोगों को बताया शुरू। अब मिक्स मोड में करते हैं, जैसे देखिए सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, सपोज करो ये थीटा वन और ये कितना है थीटा टू, ठीक। अब क्वेश्चन आया फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि हमें वेक्टर ए प्लस बी माइनस सी निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, ए ए प्लस बी माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर माइनस सी, मतलब कि हमें वेक्टर ए लेना है, बी लेना है और वेक्टर माइनस सी लेना है। तो सी इधर है, सी इधर है, तो माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट में, है ना। अभी जरा देखिए कि ये वाला एंगल कितना आएगा, अभी जैसे देखो ये एंगल कितना था टोटल, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है ना, जैसे देखिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये थीटा वन है थीटा टू है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा 180 माइनस कितना थीटा वन प्लस थीटा टू, ये इतना एंगल बचेगा यहाँ पर। यानी कि अब हमको क्या करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बताना है, यानी कि अब हमें इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है। तो अब हम लोग वही मेथड लगाते हैं, किसी एक वेक्टर को हमने ऐसा फिक्स ले लिया, सपोज करो ये वेक्टर ए है, हमने इसको फिक्स ले लिया, अब पैरेलल शिफ्ट करके एक के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे। तो मान लो कि हमने बी को ऐसे शिफ्ट करके, बी को ऐसा शिफ्ट करके ऐसे इसके हेड पे बी का टेल रख दिया, चलेगा, ये वाला एंगल जो पहले था थीटा वन वही एंगल रहेगा यहाँ पे भी, अब सी को भी पैरेलल शिफ्ट करके हमने यहाँ पे रख दिया ऐसा, ये मान लो आ गया माइनस सी। अब शुरू के टेल से लास्ट का हेड मिलाएंगे, शुरू के टेल से जो लास्ट का हेड मिला यही क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस माइनस सी, यही रिजल्टेंट कितना आ गया, यही रिजल्टेंट आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस। तो ये डायग्राम मेथड है रिजल्टेंट बताने का। ओके, तो इस चीज को आप लोग को बहुत जगह पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी इस पे बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा वेक्टर बनाया, हमने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है। अभी इस डायग्राम में से हम लोगों को क्या करना है, एक वेक्टर को बताना है कि इसमें से कौन सा वेक्टर किसका रिजल्टेंट हो सकता है। इस डायग्राम में देख करके हमें ये बताना है कि कौन सा वेक्टर किस वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है। ठीक है, जरा चेक करते हैं, एक चीज जरा देखिए, इस वेक्टर का नाम है ए, ये ए वेक्टर है ना, और ये बी वेक्टर, बी का टेल यहाँ पे है, यहाँ पे ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, यानी कि डी का टेल और ए का टेल एक जगह पे, सी यहाँ पे, ऐसा इस तरीके से दिया हुआ है, और ये एफ वेक्टर है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गया है,
और ये ई वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गया है। तो डायग्राम को देख करके बताना है कि कौन सा वेक्टर किसका रिजल्टेंट है और इसको हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जरा देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर ई को देखिए, ये ए के टेल से स्टार्ट हुआ है और बी के एंड पे गया है। ये जो वेक्टर ई है, ये ए के टेल से स्टार्ट हुआ है और बी के एंड पे गया है। तो देयरफॉर हम लोग वेक्टर ई को कितना लिख सकते हैं, वेक्टर ई को हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी। ई ये ए है, ये बी है, ई के ए के ए के टेल से स्टार्ट हुआ है और बी के हेड तक गया, तो वेक्टर ई को कितना लिखा जा सकता है, ए प्लस बी लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो वेक्टर ई है, ये भी देखिए, ये डी के टेल से स्टार्ट हुआ है और सी के हेड पे गया है। देखिए ये वेक्टर डी, ये वेक्टर सी, और ई डी के टेल से भी स्टार्ट होकर के सी के हेड पे भी है। तो वहां से हम लोग ई को कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ई को लिख सकते हैं डी प्लस सी भी लिखा जा सकता है, दैट इज डी प्लस सी भी लिख सकते हैं, वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। यानी कि वेक्टर ई क्या नहीं रिटेन है, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर डी प्लस सी। तो ये अपने पास एक रिलेशन आया। तो इन दोनों रिलेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, ये वेक्टर डी प्लस बी सी के बराबर भी लिखा जा सकता है। यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है। अब जरा वेक्टर एफ को देख लेते हैं। ये वेक्टर एफ क्या है, देखो तो जरा, ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर एफ देखो, ये ए है ना, और ये एफ और ये डी। डी को देखिए जरा, ये जो वेक्टर डी है वो ए के एंड से स्टार्ट हुआ है और एफ के एंड पे गया है। ये जो वेक्टर डी है वो ए के एंड से, जैसे देखो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर एफ हो गया। आप जरा यहाँ पे गौर करो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर एफ है, और ये जो वेक्टर डी है वो ए के टेल से स्टार्ट होकर के एफ के हेड तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर डी है, ये ए प्लस एफ, ए प्लस एफ दैट इज इक्वल टू डी। यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एफ, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आएगा। दूसरा, अब यहाँ पे जरा गौर करो फिर से, देखो ये वेक्टर एफ है और ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर एफ और ये वेक्टर सी। बी को देखो, बी एफ के टेल से स्टार्ट हुआ है, बी जो है एफ के टेल से स्टार्ट हुआ और सी के एंड पे मिला है, मतलब कुछ ऐसा है, ये वेक्टर एफ है, ये वेक्टर सी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कौन वेक्टर मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ से फिर क्या बोला जा सकता है, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर एफ प्लस वेक्टर सी। यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू कितना, वेक्टर एफ प्लस सी, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो कहीं एक से स्टार्ट होकर के कहीं और पे एंड हो गया तो वहां से हम लोग इसको बोल सकते हैं, है कि नहीं, कि इस तरीके से अपने पास ये वेक्टर है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सी। यहाँ पे हम लोग को एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में बताना है। अब जरा गौर करो यहाँ पे, ये जो वेक्टर डी है, ये ए के टेल से स्टार्ट हुआ और बी के एंड पे गया है, तो वेक्टर डी के एंड में रिटर्न है, ए के टेल से स्टार्ट होकर के बी तक गया ना, यानी ए से स्टार्ट हुआ बी के हेड पे गया, तो ये वाला वेक्टर ए प्लस बी लिखा जा सकता है, दैट इज ए प्लस बी, ठीक। और अब यहाँ से एक चीज और है कि ये जो वेक्टर ई है, देखो ये डी के टेल से स्टार्ट हुआ है और सी के हेड पे मिला है, तो डी प्लस सी को ई लिखा जा सकता है, यानी कि दैट इज वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, डी प्लस सी लिखा जा सकता है। नहीं तो सपोज करो कि अब हम लोग ऐसे भी वेक्टर को लिख सकते थे, देखिए ई को ए बी सी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मत देखो, तो ई क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी ई कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज कितना, ए बी सी,
यहाँ से भी वही चीज आ रहा था, अगर हम लोग डी को लिखेंगे ए प्लस बी तो भी क्या आएगा, सेम चीज आएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट बताएंगे, यानी डी ए और बी का रिजल्टेंट है, ई डी और सी का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसा अपने पास है। इसमें क्वेश्चन और करते हैं, हमारे पास अभी क्वेश्चन है। कि हमारे पास कुछ डायग्राम दिया हुआ है, अब इस डायग्राम में हमारे पास लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे, ये ऐसा है, एंड ये इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम है बी, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी एंड दिस इज वेक्टर ई, और ये अपने पास आ गया वेक्टर ए, यानी कि अपने पास आ गया। और बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन वेक्टर सी माइनस डी इज इक्वल टू वेक्टर माइनस ए, तीसरा ऑप्शन वेक्टर बी प्लस ई माइनस डी दिस इज इक्वल टू माइनस सी दिस इज इक्वल टू माइनस डी एंड डी ऑल ऑफ एबव। ओके ये अपने पास आ गया क्वेश्चन। ये हमारे पास वेक्टर्स का ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ये ई वेक्टर है यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक, ये डी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, एंड सो ऑन। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, ए बी ई, ठीक है। अभी जरा देखो ए बी और ई, आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, वेक्टर ए प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे आप ध्यान दो कि ये ए है, ये बी है और ये ई है, ठीक। अच्छा इसके लिए ना, इसके लिए एक अपने को स्टेटमेंट और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को करते हैं। जब हम लोग ऐसे, ये अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो बात एक इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम लोग इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो शुरू के टेल से लास्ट का हेड मिलाया जाता है ना। अगर सपोज करो कि इस तरीके से शुरू से टेल को मिला, शुरू से टेल रखा, एक एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा, एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा, और इस तरीके से वेक्टर को रखते चले गए, और इस प्रोसेस में अगर हमारे पास क्लोज फिगर बन गया तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। हम एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते चले गए, और जब एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते चले गए तो हमारे पास लास्ट में एक ऐसा क्लोज फिगर आ गया, एक ऑर्डर में। देखिए ए बी सी डी एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं है कि ये ए इधर है, ये बी इधर है, ये सी इधर है और ये डी इधर हो गया, तो ये एक ऑर्डर नहीं हुआ, ए बी सी ये तो नहीं ऑर्डर रहता, लेकिन यहाँ पे इधर उल्टा आ गया, ठीक है। तो एक ऑर्डर में, अगर एक ऑर्डर में क्लोज फिगर बन गया तो सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी एक ही ऑर्डर में है। जब एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा जा रहा है तो फाइनली कैसा बन गया, क्लोज फिगर बन गया। तो क्लोज फिगर बन गया तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ ए क्लोज फिगर इज 0, और वो क्लोज फिगर एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी ए बी सी डी ये एक ऑर्डर में। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड डी ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अगर ये ऐसा रहता कि वेक्टर ए
ये बी और ये सी और डी ऐसा। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 नहीं होता, क्यों? देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो डी क्या है? डी शुरू के टेल से लास्ट का हेड है ना, तो यहाँ पे डी हो जाता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे हम लोग डी को लिखते हैं इस तरीके से, ताकि नहीं कि ये 0 होता। ओके, तो उसी फैशन में हम लोग अभी इसको चेक करेंगे। अब जरा देखिए पहला इसमें जरा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अभी जरा देखो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर ई, ये तीनों मिलकर के क्लोज फिगर बन रहा है, बन रहा है ना क्लोज फिगर। तो जब वेक्टर क्लोज फिगर बन जाता है तो सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देयर फोर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0, यानी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन में वेक्टर सी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए है ना। तो अब जरा हम लोग इधर चेक करते हैं, एक चीज जरा गौर करो आप कि ये जो वेक्टर डी है, ये वेक्टर जो डी आपको दिख रहा है ये ए के टेल से स्टार्ट हुआ है और सी के हेड पे गया, मतलब कुछ ऐसा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है और ये डी यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक गया है। तो हम लोग कितना लिखेंगे? देयरफॉर वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। तो अगर इसी को हम लोग अरेंज कर लें, ए को इधर लेके जाते हैं डी को उधर लेकर के जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा? ए इधर आएगा तो माइनस ए और ये डी उधर जाएगा तो माइनस डी ना, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो यानी कि ये रिलेशन अपने पास ट्रू है, यानी कि ये रिलेशन क्या है? ट्रू आ गया। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यानी कि बी प्लस ई माइनस सी इज इक्वल टू कितना? माइनस डी। अब यहाँ इस रिलेशन को देखा जाए, अब इस रिलेशन को चेक करने के लिए बी प्लस ई माइनस सी माइनस डी। अभी आप यहां पे एक चीज जरा गौर कीजिए कि हमने लिखा है ये बी प्लस ई है, ये बी है और ये ई है, ठीक, ये बी है और ये ई है। तो यहां से जो फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास, फर्स्ट रिलेशन से कितना आ रहा है? बी प्लस ई प्लस ए, ये कितना आ गया है? 0 आ गया है कि नहीं? बी प्लस ई इज इक्वल टू कितना? ये 0 आ रहा है। तो यहां से हम लोग बी प्लस ई को कितना लिख सकते हैं? माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक। अभी जरा देखो कि हमारे पास माइनस ए किसके बराबर है? माइनस है सी माइनस डी के बराबर। तो इसको कितना लिखा जा सकता है? बी प्लस ई इज इक्वल टू सी माइनस डी, यानी कि ये रिलेशन अपने पास आया। तो अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर बी प्लस ई इसको इधर लेके आएंगे माइनस सी, तो कितना हो जाएगा? माइनस सी। तो जरा देखिए ये रिलेशन दोनों सेम ही है, इसका मतलब कि थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ डी। तो ये तरीका हुआ हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट बताने का थ्रू ग्राफिकल मेथड। अगली बार में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ग्राफिकली हम लोग दिखा रहे हैं तो उस वेक्टर का लेंथ कितना होगा। जैसे कहने का मतलब मैंने आपको ये बोल दिया, ये वेक्टर ए है सपोज कीजिए ये 10 यूनिट का है, ये वेक्टर बी है सपोज कीजिए ये सपोज कीजिए 15 यूनिट का है ना, और दोनों के बीच में सपोज करो कि एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? तो ग्राफिकल मेथड से तो हम लोग बता सकते हैं ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो ये ग्राफिकल मेथड से ये वाला रिजल्टेंट आएगा। तो अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी ये कितने यूनिट का और ये इसका डायरेक्शन किधर, यानी कि कितना एंगल, उस चीज को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो भी मैंने बताया आप लोग नोट्स बना लेंगे और सारे लेक्चर को अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे।